हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। दोस्तों, क्लास टेन का जो ज्योमेट्री है या क्लास नाइन का जो ज्योमेट्री है, उसमें एक सबसे हार्ड स्टूडेंट को एक टॉपिक लगता है, एक चैप्टर लगता है, क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, आज अगर ये वीडियो लास्ट तक आप देखते हो जाएगा, क्लास नाइन्थ में रहोगे दोस्तों, तो आपका 100% बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। और जो आपका प्रैक्टिस है 8.1 मतलब चैप्टर जो आठवां आपका है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सिंपल तरीके से अब भी अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हो ना दोस्तों, आपको बोलता हूँ आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर क्लास टेंथ में हो, क्लास टेंथ में और आपका सेमेस्टर आने वाला है या प्रीलियम आने वाला है या दोस्तों बोर्ड का एग्जाम कोई भी, ये पूरा लास्ट का वीडियो देख ले तो 100% बोलता हूँ दोस्तों। आप लास्ट में खुद कमेंट करोगे, सर मुझे पूरा आ गया प्रैक्टिस सेट जो हमारा 6.1 है पूरा 100% दोस्तों बोलता हूँ। फॉर्मूला आज जो है दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ, खाली आपको ध्यान से सुनना है। नाइन्थ हो या टेंथ हो, ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो भी है दोस्तों, आज जितना बता रहा हूँ इतना अगर आप कर लिए, एक फॉर्मूला आपको लर्न करा कर दूंगा, इतना नहीं है दोस्तों। आपको एसडी टेक चैनल पे हर एक चीज मिला, बट आज जो मैं बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा A to Z जितना फॉर्मूला यूज होने वाला, हर एक चीज बता दूंगा, बस आप ध्यान से देखते रहो, लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सर, ये तो मेरे को याद होगा। क्या याद करना दोस्तों, मैं जैसा बोल रहा हूँ बस आपको क्या करना, अपने में उसको रिपीट करना, रिवाइज करना, अपने बोलना है, बस ध्यान से सुनना है और उसको लिख के एक जो आप प्रैक्टिस कर ले 100% बोलता है दोस्तों, आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो क्या है सबसे पहली बात दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट को सबसे पहले मालूम होना चाहिए, जैसे हम लोग अल्फाबेट ABCD पढ़ते, उसमें कौन कौन सा ABCD आता है, क का पढ़ते, क का नंबर पढ़ते 1 2 ये आता है, उसे ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते तो उसमें 6 नाम आता है, बार बार यूज होता है, वही 6 नाम ही रहता है ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले क्या है दोस्तों, खाली ध्यान से सुनते जाना, क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। दोस्तों मैं इधर थीटा नहीं लिखा हूँ, रेशियो नहीं लिखा हूँ, कुछ नहीं लिखा हूँ, बस आपको बेसिक से मैं बता रहा हूँ। हम लोग के टोटल 6 नाम, ये जो हम लोग को दिया गया है नाम हमारा जो है, ये टोटल 6 नाम हम लोग को क्या करना है दोस्तों, याद करना, मैं बता रहा हूँ ध्यान से आप सुनना। पहला क्या है? साइन। दूसरा क्या है? कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, बस हमको याद कर लेना, साइन, कॉस, टेन, साइन, कॉस, टेन। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, आप इसको रिपीट करो, कोई भी रहे क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ में 100% दोस्तों बोलता हूँ पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो पहला मैं क्या बोला, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, साइन प्लस कॉस, कॉस का टेन, सिन कॉट, सिन सेक, कॉस, यही 6 आपको देखने के लिए मिलेगा, बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, इसके अलावा एक भी चीज आपको मिलेगा नहीं, इतना ही नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, बस ये आपको 6 अगर याद हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या है, जैसे कि अगर हम लोग को दिया है साइन थीटा, ध्यान से सुनना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक, बस ध्यान से सुनना दोस्तों। अभी ये हमारा क्या 6 नाम याद हो गया आपको, मैं बोला ये 6 हम लोग को नाम दिया, अब ये 6 मैं लिख दिया किसी से, हम लोग को फॉर्मूला बनाना, आपको 6 याद हो गया। अभी 6 को ध्यान से देखना, सबसे पहला क्या है साइन, तो साइन का रिलेशन याद करो दोस्तों, साइन का किसके साथ में है, कॉसेक के साथ में, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला। दूसरा हमारा क्या है, कॉस है, ये थोड़ा नीचे है तो मतलब ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, किसके साथ में, सेक का। टेन का किसके साथ में रिलेशन है दोस्तों, कॉट के साथ में। तो दोस्तों आपको समझ में, टोटल आपके पास कितने नाम याद रखना है, 6, पहला क्या याद करना साइन, फिर कॉस, फिर टेन, कॉट, फिर कॉसेक, ये 6 नाम बस आपको याद करना। ये 6 के बाद आपको मैं रिलेशन बता दिया, साइन का किसके साथ, कॉसेक के साथ, कॉस का किसके साथ, सेक के साथ, टेन का किसके साथ, कॉट के साथ, अगर इतना आपको रिलेशन याद होगा। अब सर फॉर्मूला कैसे याद करें, तो मैं क्या बोला, साइन का रिलेशन ध्यान से सुनना, फॉर्मूला चालू होता है साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ है, कॉसेक के साथ, तो 1/cosec हो गया, साइन का रिलेशन किसके साथ हो गया, कॉसेक के साथ। तो दोस्तों ध्यान से देखना, अब इसके बाद हम लोग क्या बोले, कॉस का रिलेशन किसके साथ, कॉस का रिलेशन किसके साथ होता है, सेक के साथ, 1/cosec, ध्यान से देखना दोस्तों। टेन का किसके साथ में होता है, 1/cosec, दोस्तों ये आपको पता चल गया, बट स्टूडेंट के मन में एक और डाउट आएगा, सर साइन थीटा बोल दे 1/cosec थीटा, तो क्या और कैसे, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin लिख सकते हैं, बस ध्यान से देखते रहो, मैं क्या बोला, साइन का 1/cosec, कॉस का 1/sec, टेन का 1/cot, इतना हो गया, अब क्या करेंगे दोस्तों, आपको मालूम है ध्यान से देखना, अब इससे हम लोग कितने फॉर्मूलाज बनाएंगे, साइन बराबर 1/cosec, ये डिवाइड में इस साइड आएगा तो क्या होगा, इनटू, तो हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा इनटू क्या हो सकता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू बचा क्या, 1, अगर हम लोग को कहीं साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा दिखेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, सर बस, नहीं सर,
अच्छा अभी ये कॉसेक यही रहने दो, साइन को इस साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन क्या जाएगा साइन, जो आपके मन में डाउट था सर साइन थीटा बराबर वन अपॉन कॉसेक, हाँ सर कॉसेक थीटा भी बराबर वन अपॉन साइन लिख सकते हो, आपको कहीं अभी प्रूफ जब करोगे प्रैक्टिस सेट 6.1 क्लास 10th वाले करोगे दोस्तों, आपको बता रहा हूँ उसमें यूज में आएगा, बहुत जगहों पे आएगा। अब इसके बाद हम लोग का सेम टू सेम कॉसेक भी ऐसे ही, अब कॉसेक को करोगे तो इधर होगा इंटू होगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन, दोस्तों एकदम क्लियर बेसिक से बता रहा हूँ आपको, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, छह नाम याद कर लेना ये बनते जा रहा। अब इसके बाद ए इंटू में होगा मतलब सर इसको नीचे कर दे, हाँ कर दो सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन क्या चले जाएगा कॉस, तो दोस्तों आपका ये हो गया। अब इसके बाद टेन को अगर देखें तो टेन थीटा तो है ए इधर आएगा तीन टू हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या होगा वन, और अभी इसको कॉट को यही रहने दो टेन को उस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो दोस्तों अगर आप देख सकते हो साइन में क्या बोला सबसे पहले इतना एक बार रिवाइज करा रहा हूँ दोस्तों, हम लोग को छह नाम याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री में, कितने छह नाम बस साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, बस छह नाम हमें याद कर लिए, हाँ सर। अब इसके बाद हम लोग को इसका रिलेशन पता है, साइन का किसके साथ कॉसेक है, कॉस का किसके साथ सेक के साथ, टेन का किसके साथ कॉट के साथ, इतना हो गया हाँ सर। साइन का आप बोले कॉसेक के साथ, साइन का किसके साथ कॉसेक के साथ, कॉस का किसके साथ सेक के, कॉस का किसके साथ सेक के साथ, टेन का किसके साथ कॉट का, टेन का किसके साथ कॉट, अरे हाँ सर ये तो हम लोग को रिलेशन तीनों मालूम होगा, तो रिलेशन से जब इधर डिवाइड है इस साइड आएगा इनटू होगा, तो ये भी आपको पता चल गया। जब सर इनटू में है तो मैं इस साइड अभी कॉसेक इधर आया ना, अब मैं कॉसेक को रहने देता हूँ साइन को उस साइड ले, मतलब कॉसेक बराबर वन अपॉन साइन, अगर हम लोग सेक बराबर वन अपॉन कॉस, कॉट बराबर वन अपॉन टेन, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको बार बार यूज में आने वाला क्वेश्चन है, और इससे आपको टेंशन लेना नहीं है दोस्तों, बस आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है जितना बता रहा, आप खुद से करोगे तो प्रैक्टिस सेट 6.1 क्लास 10th का, मैं बार बार 10th के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम सेमेस्टर प्रीलियम में 10th में बहुत ज्यादा मार्क्स 7 मार्क्स के लिए आएगा, बट दोस्तों अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट रहेगा तो आपका 3 से 4 मार्क्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप, बहुत सिंपल तरीके से अगर फॉर्मूला याद रहेगा दोस्तों, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करें सर, तो ये तीन ऐसा फॉर्मूला है दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बोलूंगा एक होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है साइन से, और एक दूसरा हम लोग का फॉर्मूला है और वन प्लस ध्यान से सुनो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक तीसरा है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, दोस्तों बस इतना ही हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू सेक स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू कॉसेक, दोस्तों ये तीन जो फॉर्मूला है ना बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये तीनों से कुछ नए नए फॉर्मूले बनेंगे दोस्तों, आप ध्यान से देखना आपको बता रहे। अब इसमें हम लोग को क्या है साइन, तो अगर मैं साइन को उस साइड ले जाऊंगा तो क्या बचेगा कॉसेक कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है ना इक्वल रहता है दोस्तों, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कोई भी चीज अगर इधर ही बता रहा हूँ, अगर इक्वल है इस साइड अगर प्लस में रहता उस साइड जाता है माइनस हो जाता है, अगर इधर माइनस में इस साइड आता प्लस, इतना बेसिक तो आपको मालूम इनटू है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड है तो इनटू, अगर बस प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, इनटू है तो डिवाइड, डिवाइड है तो इनटू, दोस्तों याद रखना अगर ये आपको आते रहेगा, अगर आप बोलोगे सर मुझे ये नहीं समझ में आता माइनस माइनस प्लस प्लस इनटू में अगर दिया रहेगा कैसे अगर करना माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट समझा दो, दोस्तों एक वीडियो बना दूंगा उस पे भी, बट आप क्या करो कमेंट करो, भी काफी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो शायद आप वीडियो देख चुके रहोगे दोस्तों, उससे आपको फर्स्ट सेमेस्टर का हर एक चीज सर बता रहेंगे आपको शेड्यूल वाइज किस हिसाब से आपको इंपॉर्टेंस मिलेगा, दोस्तों आप प्रैक्टिस करो, जो भी आप कमेंट करोगे ऐसा नहीं बस इंपॉर्टेंट, जो आप कमेंट करोगे दोस्तों उस टॉपिक पे आपको भी सॉल्यूशन के साथ में वीडियो प्रोवाइड होगा, तो आपको क्या करना है बस प्रैक्टिस करते रहना दोस्तों, ये हो गया कॉस को मैं यही रहने दिया साइन को साइड कर दिया, इतना हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग को क्या करना है साइन को यही रहने दे कॉस को भेज दो, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दोस्तों एक फॉर्मूले से ध्यान से देखो एक फॉर्मूले से हम लोग कितना बना लिया तीन, एक फॉर्मूले से तीन बनाए एक से तीन एक से तीन वापस साइन स्क्वायर, याद रखना मेन अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, अगर हम लोग को कॉस यही रहने दिया उस साइड लेकर कहीं कहीं ऐसा जरूरी पड़ेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमको क्या रखना है तो कॉस स्क्वायर, अगर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह तो क्या रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, सेम क्वेश्चन दोस्तों इसमें भी यही करना,
वन को यहीं रहने दो, टेन को उधर भेज दो, तो वन स्क्वायर टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इतना हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, वन को उस साइड भेज देते, टेन को ही रहने देते, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। दोस्तों ये भी आपका बन गया। अब इसके बाद आपको इसमें भी सेम टू सेम वन को यही रहने दो, उस साइड ले जाओगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब अगर मैं वन को उस साइड ले जाऊंगा तो क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। दोस्तों ये आपका क्या हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखना। इतना आप नहीं देखो, सबसे पहले आपको रिलेशन याद होना चाहिए, ये तीन फॉर्मूले से बाकी सब फॉर्मूला आप अगर प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, याद करने की जरूरत नहीं, आपको 100% आ जाएगा। अब और दो फॉर्मूला ऐसा है, जैसे कि एक है हम लोग का टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया। अब इतना होगा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब टेन का उल्टा हमारा क्या होता है दोस्तों, कॉट, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कॉट थीटा इक्वल टू हमारा क्या होगा, इसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोस्तों इतना आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर ये रिलेशन आपको याद रहेगा, मैं क्या बोला, ये रिलेशन सबसे पहले आप नाम याद रखो, फिर रिलेशन पहले का लास्ट वाले के साथ, सेकेंड वाले का एकदम नीचे से ऊपर, फिर ये टेन का कॉट, इतना हो गया रिलेशन आपको पता चल गया। तीन फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतने से आप कितना बना लिए। अब इसके बाद मैं बार बार बोला टेन थीटा इक्वल टू, ये दोस्तों आपको दिया टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और उसी का टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा का, तो ये टेन का जो वैल्यू उसका भी उल्टा हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। दोस्तों इतना अगर आप फॉर्मूला याद कर लेना 100% बोलता हूँ दोस्तों, आपका जो टिग्नोमेट्री है, जो टिग्नोमेट्री है क्लास टेन के लिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट जो हमारा 6.1 है दोस्तों, इसमें और 2-1 क्वेश्चन है प्रूफ डाइट में दोस्तों, और कुछ 4-5 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में जो स्टार्टिंग में दिए गए, और 4-5 एग्जाम्पल है दोस्तों, आपको टेंशन लेना नहीं, और 12 क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम सेट में दिया है दोस्तों। इतना अगर आपके फॉर्मूला दिमाग में रहेगा, शायद आपको याद भी हो गया रहेगा दोस्तों, अगर इतना आप अच्छे से कर लेना, बोलता 100% बोलता दोस्तों, आप खुद से अपने आप को देखोगे ना। और अभी उस टॉपिक पे अभी आप बोलोगे दोस्तों, कमेंट करोगे कंटिन्यू, 6.1 का एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन का वीडियो सेपरेट आपको मिलेगा दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखते तो जरूर हो, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते एंड अपने दोस्तों में भी शेयर नहीं करते दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा अगर कॉपरेट करोगे ना, हम लोग का हेल्प करोगे, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, अपने दोस्तों में बस शेयर करना है चैनल पर। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट कर चुके हैं। अगर जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड जिस टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए दोस्तों, आप बोलोगे ना कमेंट करोगे 100% एसजी टेक उस पर क्या करेगा, वीडियो बनाएगा दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।